यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय का 15वां आयत से पढ़ लीजिए। यूहन्ना 14 का 15 से पढ़ लीजिए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन, हालेलुया। 15वां आयत ये बोल के शुरू किया, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरा आज्ञाओं को पालना करें। उसके साथ में कनेक्टेड वर्ड से आगे जो 16 से हम जो पढ़ा हुआ वर्ड से अलग नहीं है, कनेक्टेड वर्ड से 14 का 15 से आगे जो वर्ड सब कनेक्टेड। पवित्र आत्मा का दान के बारे में बता के दिया, क्या बताया है, मांगेगा और पिता आपको सत्य का आत्मा दूसरे एक मददगार, और सत्य का आत्मा आपको सारे सच्चाई में अगुवाई करेगा। तो इधर कल हम पढ़ा पवित्र आत्मा को एक हेल्पर, एक कंफर्टर, न तक मददगार बुलाया है। साथ में इधर और भी एक दो बातों हम सीखना जरूरी है। पवित्र आत्मा को बुलाया एक नाम, क्या नाम बुलाया है, सत्य का आत्मा बुलाया है। बाइबल आप सीखेगा तो बाइबल के अंदर अलग अलग नामों पवित्र आत्मा को बुलाया है। इधर बुलाया नाम है सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा, पुनरुद्धार का शक्ति, से कितना नामों पवित्र आत्मा को बाइबल में बुलाया है। इसे अभी तक हम जो सीखा वो पवित्र आत्मा का कुछ चीजों का साथ में तुलना किया बात होता, इधर अलग अलग नामों का बारे में मैं बता रहा हूं। पवित्र आत्मा को दिया हुआ अलग अलग नाम हो। ओल्ड टेस्टमेंट में आप देखेगा तो परमेश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा, इसे यहोवा यिरे, यहोवा रोही, यहोवा निसी, इसे अलग अलग नामों से परमेश्वर को पुकारते। वैसे ही पवित्र आत्मा को दिया हुआ अलग अलग नामों का वादा में मैंने अभी कहा। हालेलुया, स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, पुत्रत्व का आत्मा, स्पिरिट ऑफ सनशिप, हालेलुया। रोमियों 8 अध्याय में लिखा है स्पिरिट ऑफ सनशिप। ऐसे कितना नामों पवित्र आत्मा का वादा में बताया है। सत्य का आत्मा क्यों बुलाया है, पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा क्यों बुलाया है, पवित्र आत्मा पवित्र फिर वापस सत्य का आत्मा बुलाने का क्या जरूरत है, इसे क्यों बुलाया। यूहन्ना का सुसमाचार से ही दो कारण मैं आपको बता के दूं। ये कारण यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में लिखा है, हम आराधना करना चाहिए आत्मा और सत्य में, तो सच्चाई में। तो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, हम आराधना करना चाहिए उसी सत्य का आत्मा में आराधना करना चाहिए, इसलिए पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा मिला है। दूसरा एक कारण, इस आयतों में हम पढ़ा इस पवित्र आत्मा हमें सारे सत्य में ना तो सच्चाई में अगुवाई करने वाला आत्मा है। परमेश्वर के बच्चों सत्य मार्ग में चलना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार प्रत्येक रूप में आप
स्टडी करेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार में सत्य के बारे में बहुत बड़ा एम्फोसिस दिया है, ट्रूथ, सत्य के बारे में। कुछ भी विश्वास करके हम अपना अनंत काल को प्राप्त करेगा, सत्य को जानना है। We want to know the truth and the truth shall set us free। सत्य को जब हम जानेगा और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। इस विषय के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार में एक स्पेशल एम्फसिस है, सत्य जो सब्जेक्ट के बारे में, सत्य हमें स्वतंत्र करने वाले, सत्य हमें जानना है। यीशु ने खुद कहा, मैं ही है मार्ग सत्य और जीवन, मुझे भेजा हुआ पिता सच्चा है। हालेलुया, मलयालम में लिखा है सत्यवान है, मुझे भेजा हुआ पिता सच्चा है। तो एक सत्य के बारे में एम्फसाइज, हमें परमेश्वर के वचन का सच्चाई को घोषणा है और उस सच्चाई पर चलना है। दुनिया में काफी लोग ऐसे सोचते हैं, अपना अपना विश्वास हमें बचा पाएगा, जो भी विश्वास करते चलेगा उस विश्वास हमें बचा पाएगा, कुछ भी विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा नहीं। उद्धार पाने के लिए जो मार्ग परमेश्वर का वचन लिखा है, मार्ग को हमें जानना है, जो सत्य वचन को दिया है उस सत्य वचन को हमें जानना है, और उसी रास्ता में उसी मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर का बच्चों हमेशा ये विषय में थोड़ा चौकस रहना जरूरी है, ऐसे पूछना है, ऐसे जांचना है, जीवन में कोई भी मार्ग चोट के जीरे क्या, क्या वजन चोट के जीरे क्या, या जीवन का हर मंडली को सच्चाई में वजन का खरे उपदेश पर बने रखा है क्या। वजन का खरे उपदेश छोड़ के कभी भी जाना नहीं। अलग अलग रीति में सिखाने वाला काफी लोगों, कुछ लोग समझौहदा का हालेलुया डॉक्ट्रिन सिखाएगा, समझौहदा का डॉक्ट्रिन, मेल मिलके जीने का डॉक्ट्रिन, अलग अलग रीति में सिखाने वाला कुछ डॉक्ट्रिन हमें बहुत अच्छा भी लगेगा। तो उपदेश पाप के विरुद्ध में बात करता नहीं है, उस उपदेश को हालेलुया लोग बहुत प्यार करते ना, तो उनको वैसे उपदेश बहुत अच्छा लगता। शिष्य उपदेश हालेलुया अपना लालस जैसे स्वभावों को साने वाला है, उस उपदेश को लोग बहुत पसंद करते। मतलब इस दुनिया में दिन मिलने वाला धन दौलत इधर का संपत्ति के बारे में ज्यादा बात करने वाला उपदेश, आम लोगों का जीवन का समस्यों हालेलुया, आम लोगों का चुनौतियों संकटों, उसको छुटकारा जरूर चाहिए। कोई ऐसे विषयों के लिए प्रार्थना किया उसके बारे में मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का बच्चा का जीवन में जब संकट आएगा, बीमारी आएगा, उस आंसू पोषणा परमेश्वर का बच्चा का कलीसिया का जिम्मेदारी, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको साथ देना जिम्मेदारी, आर्थिक समस्या है उनके लिए प्रार्थना करना कलीसिया की जिम्मेदारी। वैसे हालेलुया लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, वैसे लोगों को तसली देने वाला वजन मत दे दो, ये बोला नहीं, लेकिन ऐसे लालच को बढ़ाने वाला हालेलुया डॉक्ट्रिन, सिर्फ आर्थिक छुटकारा आर्थिक विषयों के बारे में बताने वाला डॉक्टर, उससे मुख्य बातों को भूल के बोलने वाला डॉक्टर, जो अनंत काल का जीवन है उसका वारिश होना जरूरी, ये नहीं सिखाने वाला डॉक्टर,
कान का खुजली के लिए वैसे डॉक्ट्रिन बहुत अच्छा है, लेकिन सत्य मार्ग नहीं है। प्रेरित पौलुस और तिमोथियुस को इसे चेतावनी दिया, तुम्हें ऐसे वजन को देना पड़ेगा, तो खरे उपदेश सीधे उपदेश। हालेलुया। तिमोथियुस को पौलुस ने कहा, कान का खुजली के लिए काफी लोग वजन देते, मतलब सुनने वाले के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन सत्य मार्ग नहीं। कभी कभी सच थोड़ा सत्य थोड़ा कड़वा होते, अपना दिल को काफी बातों तोड़ेगा, लेकिन हालेलुया, सत्य मार्ग में जो चलना चाहते वैसे व्यक्ति चुन रहे रास्ता, हालेलुया, सगेदी होते, वो हाईवे से नहीं चलने वाला, इट्स वॉकिंग थ्रू द नैरो पाथ। नैरो पाथ का मतलब क्या है? सत्य का मार्ग। सत्य के मार्ग में जो चलने वाले को काफी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा, आसान नहीं। चौरस रास्ता में नहीं चल रो, सकड़ापन में सकेती रास्ता में चल रो। प्यारों, में कहना चाहता हूं, हमें सत्य मार्ग में चलना है। सत्य मार्ग में हमें चलाने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को इसलिए सत्य का आत्मा बुलाए। सत्य का आत्मा हमें सारे सत्य में, सारे सच्चाई में अगुवाई करेगा। सत्य मार्ग में चलने वाला स्वतंत्र है। सत्य मार्ग में चलने वाला सही लक्ष्य में पहुंचेगा। दौड़ा असत्य और बाकी पूरा सत्य ऐसे जी नहीं पाएगा। जब हम हालेलुया इस राह में, इस रास्ता में चलेगा, पवित्रता का सच्चाई का रास्ता में चलना चाहिए। तो मैंने आज बोल के शुरू किया, ये जो पवित्र आत्मा को बाइबल के अंदर दिया हुआ नामों का बारे में, उसमें एक नाम के बारे में मैंने कहा, सत्य का आत्मा। अगले सेशंस में और भी हम पवित्र आत्मा के बारे में और भी कुछ बातों सीखेगा। अब से कोई एक जाओ, उसमें छोटा सा प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। एक सुंदर सुबह के साथ आपके अनुग्रह का सिंहासन के करीब में आकर इतना अच्छा वचन सुनने के लिए आपने हमें अवसर दिया। हालेलुया, स्तुति आराधना प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन दिनों में पवित्र आत्मा का बारे में जो सिखा रहे आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया, आज अपने वचन में कहा कि आपका वचन और आज्ञा को पालन वही करेगा जो आपसे प्रेम करता है, और वही को आपने एक सहायक देगा जो पवित्र आत्मा, जो हमारे अंदर आपने उंडेला है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, जो हमें सच्चाई का मार्ग में हमें चलने के लिए हमें मदद करता है। आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी वायदा के अनुसार बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के अंदर भरपूरी से उस पवित्र आत्मा और उंडेल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, कि सच्चाई का मार्ग में हमें चलने के लिए सहायता मिले, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप ही हो प्रभु जी। हालेलुया, सच्चाई का मार्ग बहुत हालेलुया सकरा होता है प्रभु जी। हालेलुया, हर एक परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमें मदद करता है वो परिस्थिति को पार करने के लिए प्रभु जी। आगे का दिनों में और भी पवित्र आत्मा की भरपूरी से एक मसीही जीवन जीने के लिए, आपकी सारी वचन का पालन करने के लिए, आपको साथ लेकर चलने के लिए हम सभी को पवित्र आत्मा मदद करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। इन दिनों में, आगे का दिनों में और पवित्र आत्मा को हम अच्छा से जानने के लिए और भी पिता परमेश्वर आपका दास को सामने इस वचन की गहराई का भेद को और प्रकट करके दीजिए प्रभु जी। ये सारी वचन हम कभी ना भूले प्रभु जी, और भी हम पवित्रताई के साथ ये पवित्र आत्मा को साथ लेकर चलने के लिए हमें मदद मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
और एक बार हमारा सारी जनों को सारी प्रार्थना का विषय आपकी पवित्र हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करता है परमेश्वर। हमारे प्रार्थना को आपने उत्तर दे दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास में मजबूत होकर, पवित्रताई के साथ आपकी वो सारी आशीष को हमें प्राप्त करने के लिए वो स्वर की वो बल शक्ति सामर्थ अनुग्रह दया कृपा से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज का दिन का बोझ आपकी बलवंत हाथों में समर्पण करती हूँ। जो जहां भी जाएगा प्रभु जी हालेलुया, आप उनको संभाल कर हालेलुया शाम को लौटा कर घर पे लेकर आना परमेश्वर। आपको धन्यवाद आपकी श्रेष्ठ दास के लिए, और एक बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। उनको और भी स्वर्गीय बल शक्ति सामर्थ के साथ, शारीरिक आत्मिक मानसिक बल के साथ प्रभु उनको इस्तेमाल कर दीजिए। उनका परिवार को भी संभालिए, रक्षा कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, हमारे सारी आदर और महिमा हम आपको देता है पिता। ये सारी विनती सारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हूँ पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। पूरी प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया।